हेलो गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो एक न्यू क्वेस्ट आई है, स्पेशल क्वेस्ट बॉस रश कम्युनिटी चॉइस। तो बेसिकली इसमें जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, फेमस यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपोनेंट चूज किए हैं हमारे लिए, उन्होंने नोड चूज किए हैं। तो इसको ट्राई करते हैं, तो टीम देखते हैं क्या करें। टीम में थोड़ी चेंजेस कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं मेफिस्टो को, स्टॉर्म की जगह मेफिस्टो को ऐड कर लेते हैं। मेफिस्टो हम क्योंकि इसमें जो लास्ट जो बॉस है वो है आइसमैन, तो वहाँ पे हेल्प कर सकता है हमारी। और आर्कएंजल की जगह हम ले लेते हैं हाइपीरियन को। तो चलिए गाइस, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी ये क्वेस्ट है, कितनी हार्ड है। इसमें जो जो नोड्स हैं मैं आपको बताता रहूँगा, जो जो चैम्पियंस आप उनके खिलाफ ला सकते हैं उसके बारे में भी बात करते रहेंगे हम साथ के साथ। तो यहाँ पे छः हमारे जो है अपोनेंट हैं अलग अलग। पहला अपोनेंट हमारा जो है वो है स्टार्कर है स्पाइडरमैन। नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या है, नोट्स की बात करें तो जो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल थैंक्स हैवॉक मास्टर मार्वल। ये तो उस यूट्यूबर का नाम है जिसने अपोनेंट हमारे लिए चूज किया है। तो नोट्स की बात करें, ट्रू स्ट्राइक एनहेंस स्पेशल टू। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन के लिए हम यूज करेंगे हाइपीरियन का। तो गाइस, स्पाइडरमैन के खिलाफ आप कोई भी कॉस्मिक चैंपियन ला सकते हैं, क्योंकि जो उसकी एआई है वो, अगर आप कॉस्मिक चैंपियन को लाते हैं तो एआई जो है हिट करते ही वहाँ पे बंद हो जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, अगर आप कॉस्मिक चैंपियन, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक चैंपियन नहीं है, आप किसी दूसरे क्लास के चैंपियन को लाना चाहते हैं, तो आपको हैवी अटैक करना पड़ेगा उसकी एआई को बंद करने के लिए, उसके बाद वो वेट कम करेगा। तो नेक्स्ट नोड हमारी है ये ब्रायन ग्रैंड, जो कॉन्टेस्ट चैंपियन जिनका चैनल है उन्होंने बनाई है। फ्लेयर है इसमें, पावर शील्ड, लाइफ ट्रांसफर। तो ये मेरे ख्याल से इजी और ये तो काफ़ी इजी होनी चाहिए। इसके लिए भी हम हाइपीरियन को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हेल्थ स्टील है तो थोड़ी हेल्थ वहाँ पे हाइपीरियन की बढ़ जाएगी वापस। तो हेल्थ स्टील जो है वो सिर्फ स्पेशल अटैक्स पे काम करती है, और इस चैंपियन को आप डैमेज भी सिर्फ स्पेशल अटैक का ही होगा, वैसे जीरो डैमेज होगा, लेकिन जब स्पेशल अटैक है उन पे 300% डैमेज है। तो देखिए काफ़ी इजी था, इजीली हाइपीरियन की हेल्थ भी हमारी काफ़ी बढ़ गई पहले से। तो ये इजीएस्ट नोड है मेरे ख्याल से, इस पर आप कोई भी चैंपियन ले आए। आपको सिर्फ जल्दी फाइट खत्म करना चाहते हैं तो कोई ऐसा चैंपियन लाए जो ब्लीडिंग करता हो, जैसे कि ग्वेनपूल वगैरह। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मेफिस्टो। मेफिस्टो के लिए आइसमैन अगर आपके पास हो तो बेस्ट है, और ब्लेड हो तो फिर तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली नोड देख लेते हैं क्या है। तो इसमें टायरेनी करके नोड है, इसमें आप अगर कोई चैंपियन हीरो ले जाएंगे तो उसमें कोई भी पावर गेन नहीं करेगा। हील ब्लॉक है, सोल सीकर है, तो यानी कि अगर हम ब्लेड को लेके जाएं तो कोई पावर ब्लेड गेन नहीं करेगा। लेकिन मेफिस्टो एक विलन है तो डायमेंशनल बींग भी है, तो डेंजर सेंस यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा ब्लेड का, तो मेरे ख्याल से इजी होनी चाहिए फाइट। चलिए देखते हैं।
तो हेल्थ काफी कम हो गई ब्लेड की। वहां पे एक शायद ब्लॉक मिस हुआ है या पता नहीं, मैंने ब्लॉक किया था शायद गेम में, थोड़ा वहां पे लैग आया। तो अगर आपके पास आइसमैन नहीं है, ब्लेड भी नहीं है, तो आप जो हील ब्लॉक चैंपियंस हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि योंडू, योंडू काफी हेल्पफुल रहेगा, हील ब्लॉक काफी अच्छा है योंडू का। तो नेक्स्ट हमारा अपोनेंट है अंटमैन, इम्यूनिटी डिबफ इफेक्ट्स, पावर शील्ड, एनहेंस स्पेशल टू, डैश वल्नरेबिलिटी है, यानी कि अगर ये आपके तरफ डैश कर रहा है और आप इसको हिट करें तो 200% मोर डैमेज होगा उस हिट पे। तो चलिए हाइपीरियन को लेके चलते हैं। ये फाइट जो है थोड़ी टफ यहाँ पे पड़ सकती है। तो इस नोड में भी शायद फ्लेयर है, मैंने ध्यान से वहां पे ध्यान नहीं दिया। तो आप जो भी स्पेशल अटैक आप यूज करेंगे उसमें ज्यादा डैमेज होगा अपोनेंट को। तो हाइपीरियन इसके लिए काफी अच्छी चॉइस है क्योंकि पावर गेन करता रहता है। वहां पे मिस कर दिया, वहां पे मैं एक स्पेशल अटैक मिस कर गया, वहां पे एक हिट हमारा मिस हो गया। तो चलिए इसके लिए हाइपीरियन काफी अच्छा है क्योंकि पावर गेन करता रहता है, डीबफ इम्यून है, इसलिए ब्लीड इम्यून जो ब्लीडिंग चैंपियंस है वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्क एन स्पाइडरमैन को लेके चलते हैं। तो बेसिकली इस पे आप कोई भी हार्ड हिटर चैंपियन यूज कर सकते हैं। फ्लेयर शायद वहां पे है, मैंने ध्यान नहीं दिया नोट्स पे ज्यादा, मैंने डीबफ इम्यून पे ध्यान दिया। तो अब हमारे दो ओपोनेंट बचते हैं, एक है वेनम और नेक्स्ट है आइसमैन। तो बात करते हैं नोट्स की, स्टन इम्यून है, स्टार बस्ट है। तो स्टार बस्ट थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, तो हम यूज करते हैं ब्लेड को। थोड़े यहाँ पे हमें हील पोशंस देने होंगे क्योंकि जो हेल्थ है वो काफी कम रही बची हुई है ब्लेड की। तो बेसिकली जो वैनम है वो एक विलन है, तो ब्लेड का डेंजर सेंस यहाँ पे काम कर। तो देखिए हम ब्लेड को लेके आए हैं तो स्टार बस्ट भी काम नहीं कर रहा है, यही फायदा है डेंजर सेंस का, काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। वहां पे स्टन इम्यून था, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो गाइस बेसिकली अगर आपके पास ब्लेड है तो काफी इजी पड़ेगी आपके लिए क्वेस्ट, इसीलिए काफी लोग चाहते हैं ब्लेड को थोड़े जो पावर है वो कम की जाए ब्लेड की। तो यहाँ पे ब्लेड को मैं लेके गया तो स्टारबस्ट ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन अगर आप किसी दूसरे चैंपियन को लेके जाएंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो डिजनरेट होती रहेगी। तो इस नोड के लिए आप हार्ट हीटर यूज कर सकते हैं या फिर जो रिजनरेशन करते हो चैंप्स उनको यूज कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा जो अपोनेंट है वह आइसमैन, सेफ गार्ड है, तो सेफ गार्ड ही है बेसिकली। तो इसके लिए हम लेके जाएंगे मेफिस्टो को क्योंकि कोल्ड स्नैप नहीं होता है मेफिस्टो पे, कोल्ड स्नैप जो स्टार्टिंग में हेल्थ कम कर देता है आइसमैन डुप्लीकेट होके। उम्मीद करते हैं ये फाइट भी थोड़ी इजी रहेगी बाकी फाइट्स की तरह।
तो गाइस मैं फिस्टो वहाँ पे काम नहीं आया, थोड़े मैंने वहाँ पे स्पेशल अटैक्स भी मिस किए। तो चलिए स्टार्किन एंड स्पाइडरमैन को लेके चलते हैं, एक बार देख लेते हैं डैमेज कितना करेगा कोल्ड स्नैप पे। तो कोल्ड स्नैप पे 3496 का ही डैमेज है, ज़्यादा नहीं है। स्टार्किन एंड स्पाइडरमैन की हेल्थ है 11000। तो आपको ये वेट करने पड़ेंगे स्पेशल्स आइसमैन के। आप स्टारलॉर्ड लेके जा सकते हैं, स्टार्किन एंड स्पाइडरमैन है आपके पास वो लेके जा सकते हैं, कोई भी चैंपियन लेके जा सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा उसकी हेल्थ जो है वो 4-5000 हो कम से कम। और आप ये वेट अच्छे से कर सकते हो। ये अपोनेंट थे 6-6, तो आप गोस्ट राइडर को भी लेके जा सकते हैं। आपने देखे जैसे कि गोस्ट राइडर ने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे हेल्प की है आइसमैन के खिलाफ। तो इजी है क्वेस्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 175 यूनिट्स मिल रही है। अगर आपको एक दो रिवाइव वहाँ पे लगाने भी पड़े तो भी, अगर एक टीम रिवाइव भी आपको देना पड़े तो 100 यूनिट्स का पड़ता है और 175 आपको मिल जाएंगे वापस। साथ ही 1000 शार्ड मिल रहे हैं 5 स्टार के, एक क्रिस्टल मिल रहा है कम्युनिटी चॉइस क्रिस्टल, और यहाँ पे कुछ 4 स्टार और 5 स्टार सिग्नेचर स्टोन्स भी मिल रहे हैं। तो चलिए ये जो क्रिस्टल मिला है हमें कम्युनिटी चॉइस क्रिस्टल, इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। तो ये रहा कम्युनिटी चॉइस क्रिस्टल, इसमें मिल क्या क्या मिल सकता है इसमें। या तो हमें मिलेगा स्पाइडरमैन, रॉकेट रकून, आइसमैन, जो भी हमारे अपोनेंट थे बेसिकली क्वेस्ट में उसमें से ही एक 4 स्टार मिलेगा हमें। तो मुझे चाहिए आइसमैन, अगर आइसमैन मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी सारे मेरे पास हैं, कुछ 4 स्टार में हैं, जो 4 स्टार में नहीं है वो 5 स्टार में है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ पे टैप, देखते हैं क्या मिलता है हमें। और आइसमैन, वाह, चलिए जो आप कहते हैं वो मिल जाता है आपको। फाइनली मुझे आइसमैन मिल गया, मेरे पास नहीं था आज तक। तो गाइज आपने कौन कौन से चैंप यूज़ किए इस क्वेस्ट को ख़त्म करने के लिए, आपने क्रिस्टल ओपन किया तो आपको क्या मिला, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिन्होंने अब तक नहीं कंप्लीट की है उनकी शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए इस वीडियो से। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।